पीपीटी दिखाई दे रही है? यस ठीक है, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो होता क्या है, देखो सर्वेइंग में जो है आपका सब्जेक्ट जो है पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें आप जब तक लैब पे काम नहीं करोगे चीजें कम समझ में आएगी, इसलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस रखना है क्लास पे, क्योंकि अभी लैब हो नहीं रही है। तो होता क्या है, जब भी आप कोई मेजरमेंट लेते हो, मेजरमेंट यानी कि आपका एरिया मेजर कर रहे हो आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, टेप से, इंची टेप से, स्केल से, या थर्मोलाइट से, या टोटल स्टेशन से, एरिया, एंगल, वॉल्यूम, कोई लीनियर डायमेंशन, ए टू बी के बीच का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो इन सभी में कोई ना कोई एरर आ सकता है। अब ये एरर का सोर्स कहाँ, रिव्यू कर रहे हैं हम जल्दी जल्दी। एरर के सोर्स क्या, इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, पर्सनल एरर, उसके जो मेजरमेंट कर रहा है उसकी पर्सनल एरर, यानी कि उसको एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, वो केयरलेस है, तो वो एरर वहां पे आ सकता है। नेचुरल एरर, एटमोसफेयर की वजह से, टेम्परेचर ज्यादा है, हवा तेज चल रही है, या फिर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, फॉग है, इसकी वजह से आपका एरर आ सकता है। तो तीन टाइप के सोर्स होते हैं। अब आता है इसके बाद काइंड ऑफ सोर्स, काइंड ऑफ एरर सॉरी। तो काइंड ऑफ एरर में एक मिस्टेक आता है, तो मिस्टेक किससे होती है, ह्यूमन से होती है, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपका पर्सनल से, ठीक है। सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक वो एरर होता है जो एरर एडअप होता जाता है। मान लो आपका इंची टेप 5 mm स्ट्रेच हो गया, तो जो भी रीडिंग लोगे 5 mm उसमें गड़बड़ आती रहेगी, एरर आता रहेगा, वो एडअप होता रहेगा, बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाएगी, एरर आ जाएगा। तो इस तरह के सिस्टमैटिक एरर होते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट में। उसके बाद है एक्सीडेंटल एरर, मिस्टेक को रिमूव किया जा सकता है, सिस्टमेटिक को रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि उनके सोर्स हमें पता है वो कहाँ से आ रहे हैं, बट एक्सीडेंटल एरर का हमें सोर्स ही नहीं पता कहाँ से आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम थ्योरी और प्रोबेबिलिटी को यूज करके मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालेंगे, यानी ए और बी के बीच के डिस्टेंस में जो एरर आ रहा था, मिस्टेक, वो रिमूव कर दिया है। सिस्टमेटिक इंस्ट्रूमेंट में जो एरर था वो भी रिमूव कर दिया है, बट एक्सीडेंटल एरर के लिए हमें ऐसी वैल्यू लेनी होगी जो ट्रू वैल्यू के करीब हो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? स्लाइड दिखाई दे रही है आपको, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, यस सर, ठीक है, यस सर, जल्दी जल्दी चलते हैं। ऑब्जर्वेशन यस उसे कहते हैं जो आपने रीडिंग ली है, आपने ग्राउंड पे कोई चीज मेजरमेंट की है, कोई डिस्टेंस मेजर किया, एंगल मेजर किया है, उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी वो होती है जो किसी और ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करती। कंडीशन क्वांटिटी, कंडीशन ऑब्जर्वेशन वो होती है जो किसी और ऑब्जर्वेशन पे मेजरमेंट करती है, यानी कि आपने एक एंगल निकाला है और दूसरा एंगल डिपेंड कर रहा है उस एंगल पे, तो उसे हम कंडीशनल क्वांटिटी बोलेंगे। ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, वो क्वांटिटी, वो मेजरमेंट, कोई भी एंगल या वॉल्यूम जो फ्री ऑफ एरर हो, कोई भी एरर ना हो, ना ही आपके पास मिस्टेक्स है, ना ही पर्सनल एरर है, ना ही उसमें एक्सीडेंटल एरर है। रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिस रीडिंग, जो रीडिंग ऑब्जर्वेशन या रीडिंग ट्रू वैल्यू के करीब होती है उसका वेट ज्यादा होता है, ठीक है। और कैसे होता है, अगर किसी को हमने 5 बार मेजर किया है एक ही एंगल को, फिर उसका एवरेज ले रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि वो करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जबकि एक बार मेजर किया हुआ तो उसका वेट ज्यादा होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ये बहुत बार आएगा आगे, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वो वैल्यू जो ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा करीब होती है, सबसे ज्यादा चांस होते हैं ट्रू वैल्यू के पास होने के, ठीक है। और जब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ट्रू वैल्यू के सबसे ज्यादा नजदीक है, इसका मतलब उसका वेट भी ज्यादा है। ट्रू एरर, ये भी तो दोनों डेफिनेशन बहुत आएंगे आगे। ट्रू एरर होता है कि जो आपने रीडिंग ली और जो एग्जैक्ट में होनी चाहिए थी, उन दोनों का सबट्रैक्ट कर दो तो आपको ट्रू एरर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने रीडिंग मेजर की 10.1 मीटर, बट ट्रू डिस्टेंस उसका 10 मीटर है, तो 10.1 - 10 तो 0.1 का एरर हो गया, ट्रू एरर। रेजिडुअल एरर क्या होता है, जो आपने रीडिंग ली 10.1, ठीक है, बट आपका जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है 10.05 है, ठीक है, तो आपका रेजिडुअल एरर कितना होगा, 0.05। ऑब्जर्व इक्वेशन, ऐसी ऑब्जर्वेशन जो एक इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक क्वांटिटी को मेजर किया दूसरी को, या फिर वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने दो एंगल मेजर किए जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, 40 डिग्री और 140, आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लिया, वेरीफाई करना है, ठीक है, तो आपको पता है दोनों का सम 180 होना चाहिए, अगर दोनों का सम 180 आ रहा है तो वेरीफाई हो गए, ठीक
कंडीशन इक्वेशन एक ट्रायंगल में जैसे कंडीशन होती है कि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए तभी एक ट्रायंगल बनेगा, तो ऐसी ऑब्जर्वेशन या रीडिंग जिन जो एक कंडीशन फॉलो करती हो उसको हम कंडीशन इक्वेशन बोलेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा समझना है आपको जो मिस्टेक्स हैं वो कैसे रिमूव होंगी, कि आपको एक ऐसा सर्वेयर लेना है जो एक्सपीरियंस हो, जो फोकस से काम करता हो, तो आपका मिस्टेक्स रिमूव हो जाएंगे। दूसरा, आपको इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट करना है, उसके सारे एरर रिमूव करने हैं, तो आपका जो सिस्टमेटिक एरर है वो भी रिमूव हो गया। अब एक्सीडेंटल एरर का सोर्स ही नहीं पता, तो उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए एग्जैक्ट हम ट्रू वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें सोर्स ही नहीं पता है, तो हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, मान लीजिए आपकी ट्रू रीडिंग है 10 मीटर और आपने मेजर की है 10.1, 0.1 जो एरर आ रहा है वो आपको नहीं पता क्यों आ रहा है, तो आप उसको मिनिमाइज करोगे, आप 10.05 तक लेके गए। ठीक है, तो ये होता है आपका कि एक्सीडेंटल एरर को मिनिमाइज कैसे करें। तो एक्सीडेंटल एरर क्या होता है, वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है, कुछ रूल्स फॉलो करता है, उन रूल के बेस में कुछ इक्वेशंस हम डिफाइन करते हैं, उन इक्वेशन की हेल्प से हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाल लेते हैं एक्सीडेंटल एरर। तो क्या रूल है, एक तो रूल ये है कि जो स्मॉल एरर है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट है। जो आप इस कर्व में देखोगे, आप मुझे बताना जरा जो मार्कर ड्रॉ हो रहा है नहीं हो रहा है, मार्कर ड्रॉ हो रहा है स्क्रीन पे? नो सर, नहीं हो रहा है। चलो आपको एक कर्व दिखाई दे रही है ना? यस सर। ठीक है, तो ये जो कर्व है इसमें जो नीचे वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दिखा रहा है साइज ऑफ एरर। तो एरर जीरो है, जीरो हमें एरर होना चाहिए। हम जब राइट साइड जा रहे हैं तो 1, 2, 3 और लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो -1, -2, -3, ये एरर है। ठीक है, और जो ऊपर वर्टिकल है ये नंबर ऑफ एरर्स है। तो आप देखोगे -1 और -2, -1 जो है छोटा एरर है और -2 क्या है बड़ा एरर है। तो फ्रिक्वेंसी जो है -2 की कम है और -1 की ज्यादा है। तो यही वो कहता है एक्सीडेंटल एरर में रूल्स कि स्मॉल एरर मोर फ्रिक्वेंट देन लार्ज एरर। कल भी बताया था कि आपका 10 मीटर में आपका हो सकता है कि कुछ सेंटीमीटर का एरर आ जाए, पर ये नहीं हो सकता ना, इसके चांस कम है कि कुछ मीटर्स का एरर आए। तो एक तो ये लॉ फॉलो करता है, एक लॉ ये फॉलो करता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर जो होगा वो सेम साइज का और इक्वल फ्रिक्वेंसी का होगा। आप इस कर्व में देख सकते हो कि अगर -1 का एरर आ रहा है और +1 का एरर आ रहा है तो दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है। ठीक है, इसका मतलब दोबारा समझ लो, 10 मीटर मेजर कर रहे हो और किसी का 1 सेंटीमीटर कम आ रहा है तो ज्यादा फ्रिक्वेंसी है कि उसका ज्यादातर 1 सेंटीमीटर कम ही आया रहा है। जिसका 1 सेंटीमीटर ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा फ्रिक्वेंसी है कि सबका ही 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, ये कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि जो लार्ज एरर है वो इनफ्रिक्वेंट होते हैं और इम्पॉसिबल भी हो सकते हैं कि ना आए। तो ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, यही हमें इस स्लाइड में भी यही बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखते हैं। तो सोर्स ऑफ एरर हो गया, काइंड्स ऑफ एरर हो गया। काइंड्स ऑफ एरर में एक्सीडेंटल एरर जो है वो फॉलो करता है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में एक कर्व हमें दिखाई जिसमें हमें पता चलता है कि स्मॉल एरर की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है, लार्ज एरर की फ्रिक्वेंसी कम होती है। ये न्यूमेरिकली, ये थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द फीचर्स ऑफ एक्सीडेंटल एरर। ठीक है, तो ये तीन फीचर्स होते हैं कि स्मॉल एरर आर मोर फ्रिक्वेंट, लार्ज एरर आर लेस फ्रिक्वेंट, पॉजिटिव नेगेटिव एरर आर सेम साइज, लार्ज एरर ऑकर्स इनफ्रिक्वेंट। ये तीन आपके थ्योरी में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इस थ्योरी में एक प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज किया जाता है, मिनिमाइज द स्क्वायर एरर। अब इसको समझ लेते हैं, इसको ध्यान से समझना, बहुत कंफ्यूजन भरा है। आपने 10 रीडिंग ली, एक एंगल को 10 बार मेजर किया, एक स्टूडेंट ने ए और बी के बीच के डिस्टेंस को 10 बार मेजर किया, 10 के 10 बार अलग रीडिंग आ रही है, एक दो सेम भी आ सकती है लेकिन 10 के 10 बार अलग अलग रीडिंग्स आ रही हैं। ठीक है, उन रीडिंग्स में एक तो होगा ट्रू एरर और एक होगा रेजिडुअल एरर। ठीक है, रेजिडुअल एरर क्या होता है, रेजिडुअल एरर क्या होता है आपका कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू माइनस कर दो। ठीक है, ये तो होता है रेजिडुअल एरर। और ट्रू एरर क्या होता है कि जो ऑब्जर्व एरर है वैल्यू उसमें से माइनस कर दो ट्रू वैल्यू, पर ट्रू वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है ना, आपको जब ही तो बोला गया ए और बी के बीच का डिस्टेंस मेजर कीजिए,
आपने 10 रीडिंग ली, 10 के 10 में अगर सेम रीडिंग आती तो आप ये कहते कि मेरा 10 इतना मीटर आ रहा है, करेक्ट है। बट 10 बार आपने एवरी को मेजर किया और अलग अलग रीडिंग आ रही है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सी रीडिंग सही है? तो आपने क्या किया, उसका मीन ले लिया है ना, 10 रीडिंग का मीन ले लेंगे, कहेंगे कि ये रीडिंग हम ले रहे हैं, ये हमारी ट्रू मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ट्रू वैल्यू तो नहीं है पर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। तो अब रेजिडुअल एरर कैसे निकालेंगे, हर रीडिंग में से जो मीन है उसको माइनस करते जाएंगे तो आपका निकल जाएगा रेजिडुअल एरर। और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू अगर आपको निकालनी है बिल्कुल एग्जैक्ट, तो रेजिडुअल एरर आपका मिनिमम होना चाहिए। वो किससे निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। कोई पूछे जरा जिसको बिल्कुल समझ में ना आया हो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या है। सर आप स्क्रीन पे कुछ शो कर रहे थे क्या मतलब इस टाइम पे? सर स्क्रीन सर पुरानी वाली शो हो रही थी। अभी स्क्रीन में सबसे टॉप पे क्या लिखा हुआ है सर? वो स्मॉल एरर टेस्ट, स्लाइड खुली हुई है वो, नंबर ऑफ फ्लड्स वाला। अब आया ये, अभी आ गया, अब आ रहा है ना। तो देखो दोबारा से एक चांस देना, जो आपका एक्सीडेंट एरर है उसमें आपको है ना मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू सभी जानते हैं क्या होती है? यस सर। वो वैल्यू जो ट्रू वैल्यू के पास सबसे, जिसके सबसे ज्यादा चांस है ट्रू वैल्यू के पास होने के, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कहती है कि जो रेजिडुअल एरर है वो मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। उन मिनिमम कैसे निकालेंगे, हम इक्वेशन यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या कहता है, टेबल दिखाई दे रही है आपको, एक रफली टेबल बनी हुई है। यस सर। इसका जो फर्स्ट कॉलम है ना, अभी उसको छोड़ दो, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो W1 W2 लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड जो है आपका X1 X2, ये रीडिंग है। किसी स्टूडेंट ने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके ए और बी को ये कुछ n टाइम्स बार मेजर किया, X1 रीडिंग आई, X2 रीडिंग आई, X3, X4, XN, ये नंबर ऑफ टाइम्स बार रीडिंग आई, ठीक है। अब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कौन सी लेगा वो, क्योंकि सारी रीडिंग अलग आ रही है, तो उसका मीन ले लिया उसने, तो x क्या हो गया, मीन। थर्ड कॉलम में x हो गया मीन, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ गई। अब मुझे हर रीडिंग में निकालना रेजिडुअल एरर, तो क्या होगा, रीडिंग में से माइनस करना होगा, एमपीवी में से माइनस करना होगा रीडिंग को, तो x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, इस तरह से हमारा रेजिडुअल एरर आ गया, ठीक है। अब ये क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर कहता है कि अगर हम रेजिडुअल एरर का स्क्वायर करते हैं तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल एरर इज मिनिमम, तभी हम ट्रू वैल्यू निकाल पाएंगे। यानी कि x माइनस x1 का स्क्वायर, ये रेजिडुअल एरर का स्क्वायर किया और उनको सम किया तो उनको हमने मान लिया y। y क्या है, समेशन ऑफ रेजिडुअल एरर का स्क्वायर का समेशन है, ठीक है। अब y को अगर मिनिमम करना है तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया हमने x से, जो होगा इक्वल टू 0। यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास x बराबर क्या आया है, समेशन ऑफ, अभी w को छोड़ देना, समेशन ऑफ xi। अगर w को हटा दो तो समेशन ऑफ xi और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी मीन ही आ गया, ठीक है। अभी W की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो W आपका लो ऑफ वेट है जो आगे मैं बताऊंगा, तो इसी में इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपको लीस्ट स्क्वायर से निकालनी है तो आपका समेशन ऑफ रेजिडुअल एरर्स मिनिमम होना चाहिए, और जब हमने एक रीडिंग को बार बार मेजर करके उसका समेशन ऑफ रेजिडुअल एरर को हमने निकाला मिनिमम, तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या आ गई, वो मीन ही आ गई। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन को बार बार मेजर करने पे उसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो गया उसका मीन, ठीक है। अभी जो नीचे जो भी चीज लिखा रहा है इसको इग्नोर कर दो, आपको एक पीडीएफ दिखाई दे रही है, लॉ ऑफ वेट लिखा हुआ है। यस सर, ठीक है। कल भी मैंने बताया था लॉ ऑफ वेट, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं लॉ ऑफ वेट की ये देखना है। लॉ ऑफ वेट वो होता है कि जिसका ज्यादा वेट उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो ज्यादा एमपीवी है, ठीक है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि एमपीवी हैज लार्जेस्ट वेट, ये वेट बस कुछ नहीं है, एक
हमने वेट दे दिया है कि किसी क्वांटिटी को, किसी ऑब्जर्वेशन को हमने वेट दे दिया है, हमें लगता है कि इसकी करेक्ट होने के चांस ज्यादा है तो इसका वेट ज्यादा, एक नंबर दे दिया है बस हमने इसको, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक्स वन एक ऑब्जर्वेशन है, एक्स टू एक ऑब्जर्वेशन है, एक्स एन एक ऑब्जर्वेशन है, उन सबका वेट क्या है, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू एन, हर एक ऑब्जर्वेशन का अपना एक वेट है, तो मीन का वेट कैसे निकालोगे? अगर x1 रीडिंग का वेट w1 है, x2 रीडिंग का वेट w2 है, x3 रीडिंग का वेट w3 है, और हम निकालेंगे तो x बार हो जाएगा, तो x बार का वेट क्या होगा, वो क्या होगा, समेशन ऑफ wx बाय समेशन ऑफ w, ठीक है। किसी भी एवरेज का वेट निकालना है तो क्या होगा, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड रीडिंग डिवाइड बाय समेशन ऑफ w। मुझे ये बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई? दिलखुश? यस सर। दिलखुश ये बताओ मुझे, तुम्हें वेट समझ में आ गया, वेट क्या होता है? यस सर। है ना, आप अगर हमारे पास दो रीडिंग है, उन दोनों का वेट अलग अलग है, एक का x1 का वेट है w1, x2 का वेट है w2, तो इन दोनों का मीन क्या होगा, x1 plus x2 divide by 2, x बार आ गया, x बार का वेट कैसे निकालोगे? So, summation of बोलो, पहले आप एक टेबल बनाओगे, इसमें x1 w मल्टीप्लाई करोगे, x1 w1 सर x1 w, हां समेशन ऑफ wx अपॉन समेशन w, हां इस तरह से हमारा निकल जाएगा वेट ऑफ मीन, ठीक है। ठीक है, अब अपने आप को म्यूट कर लो। अब सेकंड इसका जो रूल है वो ये कहता है कि अब a measurement has weight w1, b measurement has weight w2, तो दोनों रीडिंग का अगर हम सम करेंगे तो सम का वेट क्या होगा? तो डायरेक्टली हम ऐसे नहीं कर सकते w1 plus w2, इसके रूल्स हैं। तो अगर हमें दो रीडिंग के समेशन का वेट निकालना है तो सिंपल है, 1 upon w1 plus 1 upon w2, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो w1 w2 का प्रोडक्ट डिवाइड बाय w1 plus w2, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट का भी यही होगा, देखो माइनस नहीं लग रहा है, इसमें ध्यान रखना है, दो रीडिंग को सम कर दिया हमने, दोनों का वेट अलग अलग है, अब उन सम वैल्यू का वेट निकालना है तो, और सब्ट्रैक्ट वैल्यू का वेट निकालना है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, वन अपॉन डब्ल्यू वन अपॉन डब्ल्यू वन प्लस वन अपॉन डब्ल्यू टू, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं है कि सब्ट्रैक्ट में माइनस जाएगा और प्लस में प्लस हो जाएगा, क्योंकि वेट कोई ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, वेट वो बताता है, उसकी इंटेंसिटी बताता है कि वो कितना मोस्ट प्रोबेबल के करीब है, ठीक है, या मोस्ट प्रोबेबल भी हो सकता है। थर्ड रूल कहता है कि अगर एक मेजरमेंट है उसका वेट w1 है और a के साथ हम किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं a को, तो उसका वेट क्या होगा? तो उसका वेट होगा w1 डिवाइड बाय k स्क्वायर। तुषार यादव, तुषार यादव है, तुषार यादव ये बताओ, हमारे पास एक रीडिंग है ए, उसका वेट है W1, और W1 में अगर मैं Y का मल्टीप्लाई कर दूं, Y एक कांस्टेंट वैल्यू है, अगर मैं रीडिंग में एक ए रीडिंग है, उस ए रीडिंग में मैंने के का मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका वेट क्या होगा? बताओ भाई, तुषार नहीं समझ में आया, दोबारा सुनो। तुमने एक रीडिंग है, रीडिंग का मतलब हो गया कोई मेजरमेंट है एक, ठीक है, उसका वेट कितना है W1, ठीक है,
अब मैं a में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ k का, k एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो k a का वेट क्या होगा, ये रूल क्या कहता है, लिखा हुआ है देखो सामने, w1 डिवाइड बाय k स्क्वायर, ठीक है तुषार? हाँ, अगर हमें किसी कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्जर्वेशन में तो उसका वेट चेंज हो जाएगा, उसका वेट अब w नहीं होगा, उसका w बाय k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह वो कह रहा है कि अगर रीडिंग को k से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा उसका वेट, उसका वेट होगा w1 into k स्क्वायर, ठीक है। एक ओवरव्यू बताता हूं तुम्हें, ये थ्योरी में आपको एग्जाम में इस तरह से आ सकता है कि डिफाइन द लॉ ऑफ वेट एंड इट्स रूल, ठीक है। ये आपको थ्योरी में एक न्यूमेरिकल आ सकता है एक्सटर्नल में या आपका सेशनल में कि डिफाइन द लॉ ऑफ वेट एंड इट्स रूल्स। तो लॉ ऑफ वेट क्या कहता है, लॉ ऑफ वेट ये कहता है वेट ऑफ मेजरमेंट शो द प्रोबेबिलिटी दैट इज हाउ नियर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, यानी कि वेट हमें ये शो करता है किसी क्वांटिटी का कि कितनी प्रोबेबिलिटी है ट्रू वैल्यू होने की, तो हो गया इसकी डेफिनेशन। और उसके रूल क्या हो गए, फर्स्ट रूल हो गया कि अगर कुछ रीडिंग्स के अलग अलग डब्ल्यू वन है तो मीन का हम कैसे निकालें, सेकेंड रूल हो गया समेशन और सब्ट्रैक्शन का मीन वेट कैसे निकालें, और थर्ड रूल हो गया कि हम अगर किसी कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं रीडिंग में से तो उसका वेट कैसे निकाले, तीन रूल हो गए। तो ये आपका आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसको आप पेपर पर लिख लेना, स्टार लगा लेना। एक तो मैंने बताया था प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है लॉ ऑफ वेट। कोई मेरे को इधर कंफर्मेशन करे, ये लिख लिया, मैं पूछ लेता हूँ। चलो विवेक कुमार नागर, नहीं है। राज चौबे, यस सर, लिख दिया सर। राज चौबे, दो चीजें बताइए ना मैंने, एक तो ये पेपर में आ सकती है 9%, ठीक है। यस सर, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे और लॉ ऑफ वेट। लॉ ऑफ वेट जब भी आप लिखोगे उसका आंसर, तो उसकी डेफिनेशन प्लस थ्री रूल्स। यस सर, ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये है एक सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये क्वेश्चन है ना, कभी हमने सेशनल में तो पूछा नहीं है, पर ये एक्सटर्नल में एक बार आया था। अब बहुत इजी है, इसको समझ लो, बस आ भी सकता है नहीं भी आता, लेकिन समझ लो उसको, ठीक है। कि सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर, कोई भी आपने रीडिंग ली, ठीक है, उसमें एन डिजिट्स हैं, आपने कोई मेजरमेंट की 37 मीटर, तो उसमें कितने डिजिट्स हैं, टू डिजिट्स हो गए, ठीक है। या आपने कोई रीडिंग मेजर की 37.50 मीटर, तो इसमें कितने डिजिट हो गए, 4 डिजिट हो गए। तो ये क्या कहता है सिग्निफिकेंट फिगर, कि इफ ए मेजरमेंट हैज एन डिजिट, तो फर्स्ट एन माइनस वन डिजिट आर फॉर सर्टेन डिजिट एंड द लास्ट डिजिट फॉर अनसर्टेन डिजिट। ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन, दो नंबर में पूछा जाता है डिफाइन सर्टेन डिजिट एंड अनसर्टेन डिजिट। तो जो फर्स्ट वाली डिजिट है, एन माइनस वन डिजिट है किसी भी मेजरमेंट की, वो सर्टेन होगी, और जो लास्ट की डिजिट है वो अनसर्टेन होगी। मैंने यहाँ पे बनाया हुआ भी, क्या ये आपको पीडीएफ दिखाई दे रही है? Yes, sir. हाँ, तो दो नंबर का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन कीजिए सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट। आपने ए और बी के बीच में डिस्टेंस मेजर किया 350 मीटर, तो जो 3.5 होगा वो आपका सर्टेन होगा, और जो लास्ट का 0 है वो अनसर्टेन होगा। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि अगर मैं पूछूं आपसे किसी मेजरमेंट में बताइए मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, होना चाहिए, तो मैक्सिमम एरर निकालने का तरीका यह है कि उस वैल्यू में, उस मेजरमेंट में पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उतनी जीरो लगाइए और फिर 5 लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको यह मेजरमेंट दिख रहा होगा 52.35.56 मीटर, ये दिखाई दे रहा है सभी को 52.37.56 मीटर? Yes, sir. अब इसमें जो 6 मीटर है लास्ट वाला, वो तो अनसर्टेन है और सारी वैल्यू क्या है, सर्टेन वैल्यू है। तो इसमें जो आप पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 2 जीरो लगाइए, उसके बाद 5 लगा दीजिए, जो मैक्सिमम प्लस माइनस एरर होगा वो आपका ये होगा, ठीक है।
अगर आपसे मैं बोलूं कि आपने रीडिंग मेजर की है तो उसमें मैक्सिमम एरर हम क्या अज्यूम करेंगे, तो मैक्सिमम एरर पॉइंट के बाद जितने उसमें डिजिट है उतने 0 और 5 लगा देंगे, ये मैक्सिमम एरर आ जाएगा। फिर एक टर्म आता है प्रोबेबल एरर, ठीक है, कि आप प्रोबेबिलिटी क्या है एरर आने की, उसकी लिमिट डिफाइन कीजिए किसी रीडिंग की। तो कुछ नहीं करना आपको, मैक्सिमम एरर को 2 से डिवाइड कर देना है। तो अब मैक्सिमम एरर है आपका 0.005, इसको 2 से डिवाइड कर दिया 0.0025। अगर आपको बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो कि क्या चीज है तो उसको भी याद कर लो बस, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएगा, न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होगा मैक्सिमम एरर। तो आपको मैक्सिमम एरर कैसे सॉल्व करना होगा, जो रीडिंग दी है उसी से आपको मैक्सिमम एरर निकालना होगा। कुछ इक्वेशंस ऐसी होगी जिसमें यूज हो रहा होगा प्रोबेबल एरर, पर आपको न्यूमेरिकल में प्रोबेबल एरर नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करोगे उस रीडिंग का मैक्सिमम एरर निकालोगे, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, प्रोबेबल एरर आ जाएगा, उसको अपनी इक्वेशन में यूज कर लोगे। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके ऊपर एक 7 नंबर में न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, इसमें आपको इक्वेशन याद करनी होगी बस, और कुछ नहीं है। ये कह रहा है फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने किसी लैंड की पे सर्वेइंग किया, लीनियर मेजरमेंट की, लीनियर टेप से मेजरमेंट की, कुछ स्ट्रेट लाइंस आपने मेजरमेंट की, सीधी सीधी आपने कोई डायरेक्शन मेजर की, 10 रीडिंग मेजर करी, और उन 10 रीडिंग का अपना अपना अलग अलग एक वेट है, ठीक है। तो अब मुझे एक सिंगल रीडिंग में निकालना है प्रोबेबल एरर, एक सिंगल मेजरमेंट में हमें कैसे निकालना होगा एक एरर। तो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है ES, E का मतलब है एरर और S का मतलब है सिंगल मेजरमेंट। तो एक प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल मेजरमेंट, प्रोबेबल एरर का मतलब है किसी रीडिंग की हमें लिमिट डिफाइन करनी है कि इसे मैं इतने से ज्यादा और इतने से कम एरर ना हो, हम इतना प्लस माइनस उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल मेजरमेंट का अगर एरर निकालना है प्रोबेबल एरर, तो उसकी इक्वेशन क्या है, प्लस माइनस 0.6745। ये 0.6745 आपका जो कर्व थी वहां से आता है कॉन्स्टेंट, फिर अंडर रूट में समेशन ऑफ वी स्क्वायर है आपका रेजिडुअल एरर, और डिवाइड बाय एन माइनस 1, यानी कि एन है नंबर ऑफ रीडिंग माइनस 1। और ये कौन सा केस है, जब आपका सभी रीडिंग का वेट 1 है, ठीक है। अब मैं जरा किसी से पूछता हूं, ये चीज समझ में आई है नहीं, जतिन चौहान, जतिन, यस सर, जतिन तुम बस कंफर्म करते रहना, मैं कुछ बात करता हूं तुमसे। आपने ग्राउंड में ना कुछ मेजरमेंट की टेप से, ठीक है, आपने 10 मेजरमेंट की और उनका जो वेट है, वेट आपको ये बताता है कि कौन सी रीडिंग सबसे ज्यादा करेक्ट है, लेकिन आपकी सारी रीडिंग आपको ऐसा लगता है कि सारी करेक्ट है, तो सबका वेट क्या हो गया, 111 हो गया, है ना, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि हर रीडिंग में, एक सिंगल रीडिंग में एरर की लिमिट्स क्या है, ठीक है, यस सर, ये वो कितना उसमें कर सकते हैं, कितना माइनस कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रोबेबल एरर, जिसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन पढ़ के बताओ मेरे को जरा। सर, व्हेन द वेट ऑफ ऑल मेजरमेंट आर 1, प्रोबेबल एरर इज अ सिंगल मेजरमेंट। हां, इक्वेशन पढ़ो, ES इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.6745 इनटू स्क्वायर रूट अंडर रूट समेशन ऑफ v स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। v बताओ कि क्या है, v से क्या, v क्या है इसमें, v सर, v मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, v रेजिडुअल एरर है, ठीक है, जी सर। अब रेजिडुअल एरर कैसे निकाला था बताओ, चलो कोई नहीं मैं बताता हूँ। रेजिडुअल एरर हमने ऐसे निकाला था कि जो हमारी रीडिंग, मान लो एक एक्स वन है, उसको किस में से माइनस किया था, मीन में से, जी सर, एमपीवी में से माइनस किया था, एमपीवी कैसे निकाला था, मीन से, है ना। तो एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री, ये क्या आ गया, वी आ गया, और उस वी का स्क्वायर करके सम कर दिया, वाई वो आ गया ऊपर, और नीचे एन क्या है हमारा, क्या सर, एन, एन क्या है हमारा, टेन, नंबर ऑफ
रीडिंग्स है ना. यस सर. तो ये इक्वेशन है हमारे जिससे हम सिंगल आपको क्या होगा न्यूमेरिकल में दिया होगा 10 रीडिंग और आपसे कहा होगा कि कैलकुलेट कीजिए प्रोबेबल एरर इन ए सिंगल मेजरमेंट. तो ये इक्वेशन आपको याद होगी तो आपको एक टेबल बना के पहले रेजिडुअल एरर निकालना है उसको स्क्वायर करना है उसका समेशन करना है और नंबर ऑफ रीडिंग आपको पता है n माइनस 1 अंडर रूट करके आपका ES निकल जाएगा. ठीक है ठीक है. अब आप अपना जतिन आप म्यूट कर लीजिए. जी सर जी. अब सेकंड कह रहा है कि आपने एरर तो निकाल लिया सिंगल मेजरमेंट अगर मीन में निकालना है एरर कि मीन में कितना एरर हो सकता है वो निकालना है तो उसका सिंपल है आपका EM बोलेंगे इसको. सिंपल आप ES जो है सिंगल का है उसको डिवाइड कर देंगे अंडर रूट n से. ठीक है ES क्या है एरर इन सिंगल मेजरमेंट डिवाइड बाय अंडर रूट n. n क्या है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका निकल जाएगा प्रोबेबल एरर इन मीन. पारस अग्रवाल है. जी सर. पारस मीन कैसे निकालते हैं किसी भी रीडिंग्स का 10 रीडिंग है तो मीन कैसे निकालोगे. 10 को रीडिंग्स को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे. ठीक है. अब ये रीडिंग आ गए मीन तो आप 10 रीडिंग आपने एक ही एंगल को मेजर किया है 10 बार तो आप मीन को ही ट्रू मानोगे है ना. ऐसा करते हैं ना सर. मीन को ट्रू नहीं मानेंगे एमपीवी मानेंगे मोस्ट प्रोबेबल मान लेंगे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मान लेंगे ना. जी ठीक है. अब हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में निकालना है कि एरर कितना आ रहा है मैक्सिमम मतलब लिमिट्स कितनी आ रही है एरर की तो कैसे निकालेंगे सर. वो रेजिडुअल एरर ले लेंगे उसमें ऑब्जर्वड वैल्यू माइनस आपका एमपीवी कर देंगे. हाँ. तो रेसिडुअल एरर आ गई. अब रेसिडुअल एरर यहाँ पे डिनोट की गई है वी से. हाँ. तो जो फिर आपका ये फॉर्मूला लगा देंगे 0.67 इनटू सिग्मा ऑफ वी स्क्वायर अपॉन एन इनटू एन माइनस वन जो कि एन जो है वो है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो वो सिंगल मेजरमेंट और मीन में बस डिफरेंस ये है कि सिंगल को हमने डिवाइड कर दिया है रूट एन से है ना. जी ठीक है. तो इस तरह से हम मीन में एरर निकाल लेंगे. ठीक है. अभी ये केस फर्स्ट चल रहा है जिस वो केस जिसमें सभी का वेट 1 है. ठीक है ये याद रखना सभी का वेट 1 है इसमें. सर लेकिन इसमें जो प्रोबेबल एरर से पहले जो चीज बताई थी उसमें 0.5 अपने आप कैसे मान लिया गया. अच्छा ये वाला जो सिग्निफिकेंट फिगर था आपका. जी सर. हाँ देखो आपने कोई मेजरमेंट की है मान लो आपने कोई मेजरमेंट की 10.5 मीटर है ना. सिर्फ मीटर ले लेते हैं सिंपल. अगर 10 मीटर लिया तो इसके अकॉर्डिंग 10.5 तक ही एरर आ सकती है. हाँ. या 9.5 जा सकती है. हाँ. इससे देखो, आगे देखो सुनो 10 मीटर आपने मेजर किया तो आप मुझे बताओ कि आप कितना आप मान लो मतलब या दूसरा एग्जांपल सुनो. आप एक सर्वेयर हो आपने किसी बंदे को एक रीडिंग लेने को बोला. ठीक है. उस स्टूडेंट ने 10 मीटर मेजर किया 10.5 मेजर किया एक ने किया 9.5. ठीक है. एक ने किया 9.5 एक ने किया 10 एक ने किया 10.5 और एक ने किया 11 और एक ने किया 9. तो आप अपने एक्सपीरियंस बेस पे कहोगे कि भाई 10.5 भी चल जाएगा और 9.5 भी चल जाएगा लेकिन 11 नहीं चलेगा. ठीक है. तो आपने एक मैक्सिमम एरर डिफाइन कर लिया बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कि भाई जो हमारा रीडिंग आ रही है उससे की भी लास्ट डिजिट के बाद 0.5 का हमने मैक्सिमम एरर एज्यूम कर लिया कि इतना हम प्लस माइनस ले सकते हैं. मतलब इतना अगर चेंज होगा तो वो वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे हम. हाँ एक्सेप्ट कर लेंगे. इससे ज्यादा होगा तो नहीं करेंगे. ठीक है. मैक्सिमम एरर लिखा है ना इसमें कि मैक्सिमम एरर कितना इसमें आ सकता है को रीडिंग मेजर करने में. अब आने को तो इतना भी आ सकता है कि भाई आपने है तो ट्रू वैल्यू 10 मीटर लेकिन कोई बंदा मेजर कर रहा है वो 15 मीटर भी कर रहा है पर वो आप एज्यूम थोड़ी ना करो कि 15 मीटर लोगे थोड़ी ना. एक ऐसा एरर एक ऐसी वैल्यू जो आप एक्सेप्ट कर सकते हो आपको हजम हो सकती है फिर उसको भी और मिनिमाइज कर सकते हैं कैलकुलेशन से लेकिन एक मोटा मोटा एक ऐसी वैल्यू तो मिल जाए आपको जिसको आप कैलकुलेशन के लिए ले लो. आप 10 मीटर है रीडिंग लेकिन 15 मीटर कोई मेजर करके आ रहा है उसमें आप दिमाग थोड़ा लगाओगे इसको कैसे मिनिमम ठीक करें है ना. जी हाँ. तो एक ऐसी रीडिंग जो एक्सेप्ट कर लें फिर उसमें कैलकुलेशन करके उसको मिनिमाइज कर लें हम तो मैक्सिमम एरर हो गया आपका. ठीक है. अगर आपको प्रोबेबल एरर निकालना है तो फिर मैक्सिमम एरर का भी आप 2 से डिवाइड कर दो उसको.
ओके ठीक है. अब ये सी कह रहा है कि प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल मेजरमेंट ऑफ वेट डब्ल्यू. अभी ए और बी पॉइंट जो था उसमें वेट क्या था हमारा, वन था. लेकिन सी में क्या है, वेट क्या है, डब्ल्यू है. ठीक है, वन भी हो सकता है, वो वेट इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू हो सकती है. तब हम कैसे निकालेंगे, तब हमारा यहाँ पे जो हमारा रेजिडुअल एरर का स्क्वायर है उसके साथ एक मल्टीप्लाई हो जाएगा वेट का भी, और नीचे भी हमारा ऑब्जर्वेशन एन माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा वेट का भी. ठीक है, इतना डिफरेंस आएगा केवल. केस फर्स्ट व्हेन द ऑल मेजरमेंट है वेट वन. उसमें तीन केस बने हैं ए बी सी. ए और बी में डब्ल्यू की वैल्यू वन है, कॉन्स्टेंट ही है. लेकिन सी में क्या है, क्योंकि ये पूरा केस जो है ना कॉन्स्टेंट वेट का है, जरूरी नहीं है ए को होलो, हर किसी रीडिंग का वेट टू भी हो सकता है, हर किसी रीडिंग का वेट फाइव भी हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टेंट है सभी रीडिंग का वेट. तो उसके लिए तीन केस बनते हैं. अगर हम वन मान के चले तो ऊपर वाले दो केस बनते हैं, अगर डब्ल्यू मान के चले तो उसमें क्या होगा, जो समेशन था हमारा रेजिडुअल एरर के स्क्वायर का उसमें प्रोडक्ट भी हो जाएगा, डब्ल्यू वी स्क्वायर का समेशन होगा और नीचे रीडिंग में डब्ल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब आपका बी केस आता है कि हर रीडिंग का एक अपना वेट है. एक्स वन रीडिंग का वेट वन है, एक्स टू रीडिंग का वेट टू है, एक्स थ्री रीडिंग का वेट थ्री है. तो उसमें हम सिंगल मेजरमेंट का हम एरर कैसे निकालेंगे, प्रोबेबल एरर. तो सिंपल है कि इसमें समेशन जो है आपका रेजिडुअल एरर उसमें डब्ल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आपका एन माइनस वन रहेगा. और आपको मीन का अगर प्रोबेबल एरर रह रहा है तो निकालना है, तो सिंगल मेजरमेंट का आप उसको डिवाइड कर दोगे आप समेशन ऑफ वेट से. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो वहां पे ऊपर क्या किया था हमने, अंडर रूट एन से डिवाइड किया था मीन में, और यहाँ पे मीन में हम समेशन ऑफ वेट से डिवाइड करना है. ठीक है, ये जो आपका सिंगल मेजरमेंट, एमपीवी और क्या कहते हैं वेट, ये सारी चीज ज्यादा क्लियर हो जाएंगी जब इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको वैल्यूज दी होंगी और कैलकुलेशन जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज है क्या और हम कर क्या रहे हैं. हमारा मेन एम जो है वो है एमपीवी निकालना. ठीक है, एमपीवी अब मीन से भी निकाल सकते हैं अगर हम एक ही रीडिंग को हम मेजर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी रीडिंग है और उनका डिफरेंट वेट है, तो हम कैसे एमपीवी निकाल लें और कैसे हम पीई निकालें प्रोबेबल एरर, तो वो न्यूमेरिकल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. तो आज की क्लास को यहीं पे लीव करते हैं. और मैंने आपसे कल एक चीज कहा था कि ओलंपस लर्निंग पर हो सकता है क्विज, कल को परसों को कभी भी क्विज हो सकता है. हो सकता है कि आपका असाइनमेंट नोट्स वहां पे अपलोड करें, और हो सकता है क्लास भी हो. इसलिए मैंने कहा था कि पर्सनली मेरे को मैसेज कर दो, जिसकी आईडी नहीं बनी एक बार लॉगिन करके देखो, आईडी नहीं है तो मुझे बता दो, पर्सनली मैसेज कर दो, मैं ओलंपस में उसका आईडी बनवा दूंगा. ठीक है, इसको थोड़ा सा सीरियसली ले लो क्योंकि फिर बाद में मिस हो जाएगा आपका, जैसे मैंने है ना. क्या चीज सर, वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स नहीं आ रही है, सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स के अलावा और किसी का नहीं है. ठीक है, आप मेरे को ना इस चीज का मैसेज कर देना, दरअसल भूल जाता हूँ, बहुत सारे काम होते हैं. एक मैसेज कर देना, ये लिख देना कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अलावा किसी की रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है. ठीक है, ओके सर. ओके चलो ठीक है, क्लास को यहीं पे लीव करते हैं. सर आपका नंबर है ग्रुप पर, क्या चीज सर, आपको मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पे करना. हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं, मेरे को पर्सनली कर देना, ग्रुप में तो मैं हूँ ना, उसमें देख लेना. डीएम कर दियो भाई. ठीक है, सर इसके नोट्स कब प्रोवाइड होंगे, मतलब कब मिलेंगे सर? नोट्स आपको ओलंपस में ही मिलेंगे. ठीक है, ओलंपस में आईडी बनवा दो, पर मैं आज वो देखता हूँ कि आप लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हो, नोट के अलावा. ठीक है, ओके सर.